हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम तो मस्त हैं, सभी स्वस्थ हैं, और ऊपर वाले की कृपा से आप भी सभी लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमने सुबह आम लिए थे, 10-12 किलो आम लिए थे अचार के लिए। तो ये हम सुबह से ही अपने काम में व्यस्त थे। हमें घर का थोड़ा बहुत इधर उधर सामान करना पड़ा था, तो साफ़ सफाई करी थी हमने, तो उस चक्कर में हो गया था हमें बहुत टाइम। तो देखिए, अभी रात के 7:30 बज रहे हैं। तो जब इन आमों का नंबर आया है, तो दोस्तों इन्हें धो धो के मैं देती जा रही हूँ, और ये सुखाने जा रहे हैं उनको पंखे के नीचे। तो ये देख सकते हैं कि इन लोगों ने ऐसे ही कच्चे आम काट काट के कम से कम 5-6 आम खा लिए होंगे। कभी कम से कम 3 जने ने इन्होंने, 3 जने ने कह कुछ 4 जनों ने खा लिए होंगे इन्होंने, कृष्णा ने, नंदू, नीलू ने, और इन्होंने भी। और देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। तो दोस्तों आप ज़रूर ट्राई करना, नमक मिर्ची के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो ये देख सकते हैं, और ये कृष्णा टीवी में कितना व्यस्त है। तो देखिए, आम 3-4 आम डालिए इसने अपने पास में, ये सोच रहा है कि मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, आराम से बैठा हुआ टीवी देख रहा है। टीवी में कितना खोया हुआ है ये लड़का, तो देख सकते हैं। तो ये देख सही है, ये हम दो दो के देते जा रहे हैं, और ये इनको सुखा रही हैं। तो ऐसे ही पंखे की हवा में सूख जाते हैं दोस्तों ये। तो ये देखिए, साइनी भी हमारी रखवाली करने के लिए आ गई, और इसको इतना पता है कि इधर नहीं जाना है तो उधर नहीं जाएगी ये। तो ये बहुत सारे आम थे, 10-12 किलो आम थे, तो काफ़ी टाइम लगेगा, इन्हें धोने में भी टाइम लगा और काटने में भी टाइम लगेगा। तो इनको मतलब सूखते तो जल्दी जाते हैं, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो हाथ सूख जाते हैं। और ये है हमारा कटर, जो आम कट करने का कटर है, ये आम कट करा जाएगा। और ये हाथ में मेरे चक्कू लग रहा है ना, यही चक्कू इसमें फिट होता है। तो अभी मैं दूसरे चाकू से काटूंगी, ये चाकू इसमें फिट हो जाएगा, इसी से कट बड़ी इजीली तरीके से। ये अपने घर की जुगाड़ है दोस्तों, इन्होंने अपने हाथों से ये कटर बनाया था, और बहुत ही अच्छा कटर है, एकदम ईजी, बच्चा भी काट लेता है इससे आम, मतलब कितना भी हार्ड आम हो एकदम ईजली इससे आम कटता है। तो देख सकते हैं, मैंने दूसरे चक्कू से उसका टोपी उतारने का काम किया है, और इन्होंने कट करने का काम किया है। तो हमारा जल्दी हो गया, क्योंकि हमें लाइव भी आना पड़ता है दूसरे वाले नंदू नीलू शॉट पर 9:30 बजे। तो दोस्तों उस वजह से हमें जल्दी हो रही थी कि इनको कट करके हम सुखा देते हैं। आज तो अचार नहीं पड़ेगा, दूसरे दिन अचार पड़ेगा, तो अभी सुखा देंगे। रात भर पंखा चलता रहेगा, क्योंकि अगर बगैर पंखे के हमने इनको छोड़ दिया तो ये पक्के आम बन जाएंगे बिल्कुल। तो इस वजह से पंखा चलता रहेगा, जिससे ये मीठे ना हों। फिर भी कोई कोई आम इनमें मीठा निकल आया था। तो देख सकते हैं गाइस, कितने अच्छे तरीके से, इजीली तरीके से आप अपने मनचाहे शेप में इसे काट सकते हैं। और ये कटर, अगर आप कमेंट करके बताना अगर आपको कैसा लगा हो ये कटर, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा लगता है ये। मतलब ये हमारा, हमने शॉप खोली थी लॉकडाउन के टाइम में, तो जब हमने ये दो कटर बनाए थे अपने अचार बनाने के लिए, इससे सारे अचारों की मतलब सारी जो जितने भी अचार बनाते थे हम इसी से कट करते थे अपने आम। बहुत सारा मतलब 2-2 कुंटल का हमने आम का अचार डाला। तो ये देखिए, दूसरा दिन का है ये वीडियो, तो आप देख सकते हैं कि आम हमारा बिल्कुल सूख चुका है, अचार के लिए तैयार हो चुका है बिल्कुल। तो अभी मैं बाल्टी में भर के देखूँगी इनको साफ़ कर करके, और बाल्टी में अगर नहीं अचार डलेगा इसमें, क्योंकि ज़्यादा है तो बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा, तो मेरे को कुछ नहीं दिखा, तो मैंने बाल्टी साफ़ करके ले ली थी, तो इसमें तो ये आने वाले नहीं है। लेकिन साफ़ सफाई करके मैंने इनको भर लिया इसमें, और ये मेथी हम भिगोने के लिए डाल देंगे, जो कि अचार में सुखाने के बाद में, अचार में बाद में डाली जाती है। सूखी मेथी मैं नहीं डालती हूँ अचार में, भिगोने के बाद में उसे फरारी कर ले, उसमें मतलब हवा में फरारी कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही डालनी चाहिए। तो ये देख सकते हैं कि साइनी भी मेरे बगल में कैसे आराम से बैठी है और देख रही है कि क्या हो रहा है। तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं थी हमारे घर पर, और तो सही। तो देखिए गाइस, ये हमारी साइनी उठ के चली गई, और इसमें मतलब नहीं बन रहा था अचार बाल्टी में, तो मैंने फिर भगोना लिया बड़ा वाला, तो इसमें ये सारे आम कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि भगोना पूरा भर चुका है, और ये तेल मैंने पहले ही गरम कर लिया था। तो आप देख सकते हैं, ये खट्टा तीखा अचार बोला जाता है दोस्तों, तो इसको ईजिली तरीके से आप घर पे बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, इतना टेस्टी बनता है कि जो मसाले वाला अचार बनता है ना, उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनता है ये अचार।
और ये खट्टा तीखा अचार बोला जाता है, लेकिन इसमें खट्टी अमियाँ होनी चाहिए। इसमें तो मेरे वाले अचार में थोड़ी मीठी अमियाँ आ गई हैं थोड़े बहुत, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा बनेगा। तो देख सकते हैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार, और मिर्ची काफ़ी तेज़ होती है इसमें, तो आप देख सकते हैं मैंने नमक और लाल मिर्ची डाल दी है इसमें। और ध्यान से देखना दोस्तों आप लोग, अगर आप लोग इस तरीके से डालते हो तो डाल के ज़रूर देखना। और ये है काला नमक, काला नमक भी हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे इसमें। और अगर आपको अच्छे से और रेसिपी जाननी है इसकी कि किस तरीके से करनी है, तो आप कमेंट करके बताना। मैं पूरी रेसिपी एक सिंपल इसी वीडियो की बनाऊंगी। वैसे तो ये वीडियो रेसिपी ही पूरी ही जा रही है इसमें। और ये है जो हमारी कश्मीरी मिर्ची है, उसको भी हम इसमें डाल देते हैं। पूरी कश्मीरी मिर्ची डल जाएगी। और ये कश्मीरी मिर्ची इसमें काय के लिए होती है, सिर्फ तीखेपन के लिए नहीं होती है गाइस, इसमें लाल रंग के लिए की जाती है कश्मीरी लाल मिर्च। लेकिन इसके अलावा अगर आपको इसमें वो मिल जाती है रतन जोत बोलते हैं, उसका तेल भी गरम करके डाल सकते हैं, लेकिन मैंने रतन जोत नहीं डाली है। मैं सिर्फ कश्मीरी लाल मिर्ची का ही लालपन देखूंगी। अगर इसमें भी लालपन नहीं आएगा तो बाद में फिर रतन जोत मेरे पास है तो मैं उसे गर्म करके डाल दूंगी। तो ये इसमें हो गया इतना सारा, और इसमें ज़्यादा मसाला भी नहीं लगता है गैस, इसमें नमक मिर्ची ज़्यादा लगता है बस। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम तेल में, जो कि हमारा तेल गर्म है लेकिन बहुत टाइम से रखा हुआ है, तेल ठंडा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी हल्दी डलती है बस। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 चम्मच बस हल्दी डाली होगी। और इसी में डाल देंगे हम हींग, हींग ज़्यादा काफ़ी डलेगी इसमें, हींग का टेस्ट आना चाहिए। हींग भी हम इसमें अच्छी तरह से डालेंगे। तो देख सकते हैं ये मुंशी पन्ना की जो हम हींग खाते हैं वही हम हींग इसमें डालते हैं। तो देख सकते हैं आप कि खूब सारी हींग डाल देनी है, हींग का टेस्ट आना चाहिए इसमें खूब अच्छे से। तो इसी तेल में डाल के और इसको घुमा करके पूरा अच्छे से इसमें हम गरम गरम तेल को ही डाल देंगे। तो नमक कम लग रहा था मेरे को, काला नमक, तो मैंने दोबारा इसमें नमक डाला है गाइस, आप देख सकते हैं। और सारे मसाले ऊपर से डाल के उसके ऊपर से फिर हमको डालना है इसके ऊपर से गरम गरम तेल। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो ये ज़्यादा ठंडा भी नहीं था गाइस, लेकिन देख सकते हैं आप कि वो मसाला बस वो नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा था बस। तो इसको मैं पूरा घुमा करके इसमें डाल दूँगी और ये पूरा तेल इसमें मिक्स हो जाएगा। और ऊपर से तेल आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, जो कि मतलब आम से थोड़ा 1 इंची आधा इंची ऊपर रहना चाहिए तेल, तो आम बिल्कुल सालों साल ख़राब नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और खूब चलता है अचार। आप कितने भी दिन तक रखो और टेस्ट और ज़्यादा बढ़ता ही जाता है इस अचार का, जितना भी पुराना होता जाता है उतना ही टेस्ट बढ़ता जाता है इस अचार का, ये खासियत है इसमें। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने सारा मतलब इसी में पाँच पाँच के डाल दिया है। तो देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी अचार हैं। और इसको मिक्स करा जाएगा, तो मिक्स मेरे पे तो नहीं होगा, अभी नंदू के पापा, नीलू के पापा बुलाए जाएंगे जब करा जाएगा उन पर। तो मैं अभी जितना हो सकेगा उतना हाथ से करने की कोशिश कर रही हूँ। देख सकते हैं आप कि अभी से इसका मतलब कलर कितना सुंदर बन गया है, और बहुत ही मतलब खाने में भी बहुत अच्छा लगता है ये, चावल के साथ में, रोटी के साथ में, पराठे के साथ में, कैसे भी खाओ अचार। और बच्चों को ये बहुत ही मतलब तीखा होता है ना थोड़ा, और खट्टा होता है, तो बच्चों को बहुत पसंद आता तो है गैस ये। मेरे से तो ये मिक्स नहीं हो रहा है पूरी तरह से, लेकिन जितना हुआ मैंने कर दिया इसको मिक्स। और अभी नंदू के पापा को बुलाती हूँ तो वो करेंगे इसको मिक्स अच्छी तरह से। तो इसमें अभी 2 चीज़ों की बाकी रह गया है, इसमें अभी मेथी रह गया है डालने के लिए, और अभी इसमें कलौंजी भी डलेगी। तो मेथी हमने भिगो दी है, वो उसे हम निकाल के फरारी करेंगे उसके बाद में डालेंगे। तो देखिए ये आ चुके हैं हमारे बाहुबली जी, और ये बाहुबली जी हमारा अचार पूरा मिक्स करेंगे। तो मेरे को लग रहा था कहीं मेरे ऊपर ही ना पटक दें, तो इस वजह से। तो देख सकते हैं कि कितना मतलब कितना ऊपर तेल आ रहा है, तो कितना टेस्टी मतलब कलर कितना देखने में अच्छा लग रहा है। तो बाहुबली ने पूरा अचार मिक्स कर दिया है हमारा, तो देख सकते हैं। और ये तो पूरा ये अचार हमारा मिक्स हो चुका है, और देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है इसका। और इसको हम ढक के रख देंगे अभी 2-3 दिन के लिए, मतलब डेली चलाते रहना है, सुबह शाम इसको चलाते रहना है। अभी इसी में रहेगा, फिर इसे दूसरे डिब्बों में ट्रांसफ़र किया जाएगा।
तो अभी तो तेल कम है और ज़रूरत पड़ेगी तो तेल और डाला जाएगा। क्यों है? क्योंकि इसे आधा इंची ऊपर तेल होना चाहिए, इससे इतना तेल इसमें होना चाहिए। तो इसे मैं अभी ढाँक के रख दूँगी। और एक चीज़ का याद रखना है दोस्तों, सभी लोगों को, अगर डाल रहे हो आप अचार तो इसमें मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कोई पानी फानी के हाथ नहीं लगने चाहिए, आटे के हाथ नहीं लगने चाहिए, फिर इस अचार का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आम का अचार अच्छा लगा हो डलने में, तो प्लीज़ 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 सभी लोग कमेंट करना कि अच्छा लगा है, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो राधे राधे।